कृष्णा, आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में वत्सल्य मित्र की क्लास में, जहाँ की हम कृष्ण भावना मित्र की प्राप्ति प्रभुपाद की छोटी पुस्तक का अध्याय 3 शांतिमय समाज की ओर अध्ययन करेंगे। तो हम कहेंगे कि सृजित प्रभु आपके पास पुस्तक है, आप फर्स्ट पेज ना शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास हिंदी में, फिर कंफर्टेबल। ओके, आप ठीक है प्रभु, आप ठीक है। सुरोत्तम प्रभु जी आप पढ़ेंगे, ठीक है, आप स्टार्ट करिए। यस पढ़िए आप। चैप्टर 3 शांतिमय समाज की ओर। श्री भगवान जी पढ़िएगा प्रभु जी, ताकि हम लोग पढ़ने से ज्यादा है हम उसका अध्ययन अच्छे से कर पाए, तो धीरे धीरे पढ़िएगा ताकि समझ में आए, और फिर उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको थोड़ा कठिन चीज नहीं समझ में आएगा तो उसको समझा देंगे। ओके प्रभु, थैंक यू, कैन कंटिन्यू। चैप्टर 3 शांतिमय समाज की ओर। श्री भगवानुवाच, इदं शरीरं कौतन्य क्षेत्रमित्या दीयते एतदो वेति तं प्राण क्षेत्रग इति तदित। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और जो इस शरीर को जानता है उसे क्षेत्रग कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रग के विषय में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। क्षेत्र खेत होता है जो यह शरीर है, और क्षेत्रज्ञ उस क्षेत्र का ज्ञाता व्यष्टि जीवात्मा है। यदि क्षेत्र खेत में कुछ उपज करनी है, उसके लिए कोई किसान होना चाहिए, और यदि इस शरीर को, जिसकी तुलना क्षेत्र से की गई है, खेती करने में लगाना है, तो इसका कोई स्वामी अवश्य होना चाहिए जो इसका संस्कार अथवा विकास कर सके। अभी हमारे पास ये भौतिक शरीर है, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम इसका अनुशीलन उचित ढंग से करें। इस संस्कार या विकास को अकर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ कुदाल लेकर खेत को निराने आ सकता है, अथवा वह व्यक्ति केवल कॉफी या चाय पीने के लिए भी आ सकता है। हमें इस विशेष प्रकार का शरीर सुसंस्कृत और विकसित करने तथा अपनी इच्छानुसार इंद्रियों के आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया है। यह शरीर श्री भगवान का उपहार है। श्री भगवान बड़े दयालु हैं, और यदि कोई व्यक्ति उनसे कुछ चाहता है तो वे उसे दे देते हैं। वे कहते हैं, अच्छा ठीक है, यह ले लो। श्री भगवान से हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा एक पिता से पुत्र का। पुत्र कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए अपने पिता से हट कर सकता है, और पिता उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं कि तुम जो वस्तु चाहते हो वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। पिता उससे कहते हैं, प्रिय पुत्र, उस वस्तु को मत छुओ, वह तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। किंतु जब बालक उस वस्तु के लिए हठ पकड़ लेता है, तो पिता उसे वह लेने की अनुमति दे देते हैं। वत्सल्य, पिता अपने पुत्र को वह सब दे देते हैं जो वह चाहता है। इस प्रकार परम पिता श्री भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को वह सब देते हैं जो वे चाहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सभी योनियों में योनियों के जीव श्री भगवान की संतान है। ठीक है प्रभु, ये रुकिएगा थोड़ा, थैंक यू प्रभु। तो हम देखते हैं कि रूपा जी इसमें श्लोक संख्या 13.2 भगवत गीता का, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतदो वेत्ति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तद्धि। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और जो शरीर को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ। अर्थात श्रील प्रभुपाद इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो भगवान ने कहा, आत्मा और शरीर की तुलना क्षेत्र मतलब खेत और किसान से किया हुआ। थोड़ा समझाने के लिए कि जो हमारा आत्मा है वो किसान है, और जो उसका खेत है वो शरीर है। इस पे उन्होंने समझाने की तुलना की। तो कहते हैं कि अगर क्षेत्र है तो उसका कोई स्वामी होगा, अर्थात उसका कोई किसान होगा। तो ये हमारा शरीर है तो इसका मालिक कौन है? आत्मा। तो आत्मा इस शरीर में व्याप्त है, ठीक है। अगर हमारे शरीर से आत्मा चला जाता है तो केवल वो मृत शरीर ही होता है, उसको कुछ भी अस्तित्व नहीं होता। जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर का अस्तित्व, और आत्मा की उपस्थिति हम
चेतना से करते हैं। अगर हमारे शरीर में चेतना है तो हम ये मानते हैं कि इसमें आत्मा का प्रवास है। जब तक ये चेतना हम महसूस करते हैं तब तक उसमें आत्मा रहता है। जैसे ही आत्मा चली जाती है चेतना नहीं रहता हमारे पास। और लोग बोलते हैं कि हमारा शरीर मृत शरीर केवल मतलब शरीर है आत्मा इसमें नहीं। तो आगे इसमें बताते हैं कि हमें ये विशेष प्रकार का सुसंकृत शरीर भगवान ने दिया है अपने इंद्रियों को इच्छानुसार मतलब अपनी इच्छानुसार इंद्रियों को आवश्यक विषयों को प्राप्त करने के लिए दिया गया। मतलब हमें ये शरीर भगवान ने दिया है इससे हम चाहे तो भक्ति कर लें और चाहे तो हम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें दिन भर, और भक्ति से कोई भी मतलब ना रहे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने शरीर को किस तरह उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं कि शरीर भगवान का दिया गया उपहार है। भगवान बहुत दयालु है और जो व्यक्ति भगवान से जो कुछ चाहता है उसको देते हैं। और आगे बताते हैं कि जो हमारा भगवान से संबंध है वो कैसा है, जैसा एक पिता का पुत्र से होता है, एक बालक का अपने पिता के साथ संबंध होता है। भगवान कृष्ण हमारे परम पिता है, इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि छोटा बालक है वो अपने पिता से किसी चीज के लिए हट करता है, तो अगर पिता को लगता है कि हमें बालक को ये चीज नहीं देनी चाहिए तो उसको मना कर नहीं देते। आप लोगों ने भी देखा होगा हमारे दैनिक जीवन में छोटा बच्चा है, कभी कभी बहुत छोटा बच्चा है वो मोबाइल मांगता है। ठीक है, हम जानते हैं कि छोटा बच्चा है मोबाइल उसके लिए ठीक नहीं है, हम उसको नहीं देते। लेकिन आप लोगों ने भी प्रायः देखा होगा और खुद भी महसूस किया होगा, बच्चा रोने लगता है, शरीर जमीन में गिर जाएगा और काफी तेज रोने लगेगा, वो हट करेगा। माँ बाप सोचते हैं अच्छा ठीक है इसको दे दो, ये तो मानता ही नहीं। उसी प्रकार भगवान हमारे इच्छाओं के लिए पूर्ति करते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। पहले तो भगवान हमें उसे नहीं देने का प्रयास करते, लेकिन हम कभी बहुत जिद पकड़ लेते हैं, भगवान फिर हमारे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, आगे से पढ़िए प्रभु। सभी योनियों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से संभव होता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति माता हमें शरीर प्रदान करती है और परम पिता श्री भगवान उस जड़ शरीर से में आत्मा का गर्भाधान करता है कहते हैं। आजकल एक ऐसा मिथ्या सिद्धांत चल रहा है कि केवल मनुष्यों में ही आत्मा है और दूसरे प्राणियों में नहीं होता, किंतु हमें वैदिक शास्त्रों से ज्ञात होता है कि पौधों तथा वृक्षों इत्यादि को सम्मिलित करके 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं और उन सब में आत्मा होती है, अन्यथा वह न उत्पन्न हो सकती न विकसित हो पाती। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण घोषित करते हैं कि भौतिक संसार में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी चाहे उनके जो भी रूप हों उनकी संतान है और उनका श्री भगवान से वही संबंध है जो एक पुत्र का पिता से होता है। श्री इस कृष्ण भावनामृत का विशेष उद्देश्य आत्मा की स्थिति और श्री भगवान से उसका संबंध समझना है। क्षेत्रगम चापी माँ विधि सर्व क्षेत्र भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानो ज्ञाना जत माजान मतम मत हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहों को जानने वाला भी मैं ही हूँ और इस शरीर को एवं उसके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। यदि हम इस शरीर पर विचार करके यह अध्ययन करें कि हम वास्तव में यह शरीर है कि नहीं, तो हम इस पर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम क्षेत्रज्ञ शरीर को जानने वाला आत्मा है शरीर नहीं। यदि हम अपनी उंगली पर ध्यान दें कि हम उंगली है कि नहीं, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम अंगुली या शरीर का कोई अंग नहीं है, वरन अंगुली भुजाएं पैर सिर इत्यादि हमारी भुजाएं हमारे पैर इत्यादि हैं। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये शरीर नहीं है, वरन ये शरीर हमारा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह मेरा शरीर है। इस आधुनिक सभ्यता में दुर्भाग्य से लोग कभी यह प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं निकालते कि वे क्या है या कौन है। वे केवल किसी कार्यालय कर्मशाला में
दिन भर इसी धारणा में कठिन कार्य या घोर परिश्रम करते हैं कि मैं शरीर हूँ। और यदि हम लोगों से पूछें आप कौन है, तो वे उत्तर देते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं स्वीडिश हूँ, मैं अमेरिकन हूँ इत्यादि। ये तो शरीर की भिन्न भिन्न पहचाने या उपाधियां हैं। वास्तविक बात यह है कि हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर केवल हमारा कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार एक किसान खेत नहीं है, उसी प्रकार हम ये शरीर नहीं है। शरीर अनेक ठीक है प्रभु, प्रकार के रुकिएगा हैं। प्रभु जी, यहाँ रुकिएगा। जी प्रभु। तो आगे बोलते हैं भगवद गीता के 15.4 में, ये कुंती पुत्र सभी योनियों का जन्म इस भौतिक प्रकृति से संभव होता है और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता, अहम बीज प्रदान पिता, जो भगवान है वो बीज प्रदान करते हैं। अर्थात प्रकृति हमें शरीर देती है, लेकिन आत्मा भगवान की स्तुति से ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। ये प्रकृति जो है हमें भौतिक शरीर देती है, लेकिन जो आत्मा का प्रवेश है वो भगवान की कृपा से, भगवान वो बीज प्रदान करते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि इस भौतिक जगत में भौतिक प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है और परमपिता भगवान उस जड़ शरीर में जो प्रकृति द्वारा मुझे प्राप्त होता है उसमें, उस शरीर में आत्मा का गर्भाधान। लेकिन कुछ लोग ऐसे वो सोचते हैं कि जो प्राणी होते हैं मनुष्य के अलावा उनके में आत्मा नहीं होती, लेकिन हम शास्त्र के द्वारा जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। कोई हमें ये बता पाएगा कि 84 लाख योनियों का विभाजन क्या क्या है? किसी को पता है वो अपना हैंड रेज करेगा और बताएगा। 80 लाख योनियां लिखा है ना, 80 लाख से अधिक योनियां हैं, मतलब टोटल 84 लाख योनियां हैं। तो किसी को पता है ये 84 लाख योनियों में कौन कौन है? जल में रहने वाले, वायु में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले, उसको पता है? वो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता है, ठीक है। 9 लाख पानी वाले होते हैं, हाँ? 20 लाख प्लांट्स एंड ट्रीज, 11 लाख 20 लाख हाँ? प्लांट्स एंड ट्रीज और 11 लाख इंसेक्ट्स होते हैं और 4 लाख मनुष्य और 2 लाख सभ्य मनुष्य और 30 लाख मतलब राक्षस बीस्ट। लक्ष्मी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ऐसे याद, मैंने नोट्स बनाए हुए तो उसमें से देख के मैं बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए, कोई बात। जल के जीव होते हैं 9 लाख प्रकार के, जल के जीव कहते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो 20 लाख प्रकार के होते हैं। वनस्पति, हाँ जी। और कीट पतंगे जो होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये 11 लाख प्रकार के होते हैं। पक्षी 10 लाख प्रकार के होते हैं और 4 पैरों पर चलने वाले जो पशु होते हैं वो 30 लाख प्रकार के होते हैं। और मनुष्य जो होते हैं उनमें 4 लाख प्रकार की प्रजातियां होती हैं। वेरी गुड, प्रिया माता जी का भी काफी सही था। और उस 4 लाख में भी आप देखेंगे ना, जो 2 लाख है वही थोड़ा अपर क्लास में आते हैं, जो ये चीज को समझते हैं, बाकी 2 लाख थोड़ा उन्नत किस्म के नहीं होते। तो टोटल 84 लाख योनियां हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि मनुष्य के अलावा जो भी पशु पक्षी है या वनस्पति में इवन जीवन है उसमें आत्मा है ना, अगर आत्मा नहीं होगा उनका विकास नहीं होगा, निश्चित है। कभी बचपन में हम भी सोचते थे कि जमीन में मिट्टी में हम कोई चीज को प्लांट करते हैं और वो बढ़ने लगता है, हमको समझ नहीं आता था कि ये तो कोई मनुष्य नहीं है, इसमें तो कोई जीवन नहीं है। लेकिन बाद में हमने देखा कि लाइफ क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं, लाइफ इसमें को दिखता है कि उसकी वृद्धि होती है उष्मा से, सूर्य के प्रकाश से, पौधों में जीवन की हमें पता चलता है कि यस उनमें भी जीवन है। वही बता रहे हैं कि बहुत से जो लोग होते हैं ऐसा मिथ्या सिद्धांत चला हुआ है कि केवल मानव में ही आत्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। बता रहे हैं कि 80 लाख से भी अधिक योनियां हैं और सब में आत्मा होती है, और अगर नहीं हो तो उसमें उनका उससे उत्पन्न नहीं होगा फिर कुछ हो। इसके ये प्रूफ होता है कि उसके अंदर आत्मा है 84 लाख योनियों में, जो जिसमें कि 30 लाख वनस्पति है। तो भगवान आगे कहते हैं कि भौतिक संसार में उत्पन्न वाले सभी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वनस्पति हो, सब भगवान से संबंधित है। और किस तरह का संबंध हमारा है, जैसा एक पिता का बालक से होता है या बालक का पिता से होता है।
पुत्र का पिता से। तो आगे बताते हैं कि इस स्वनामित का उद्देश्य क्या है। इस स्वनामित का उद्देश्य है हमारी आत्मा की स्थिति और भगवान से उनका संबंध क्या, संबंध ज्ञान। तो हमें यह जिज्ञासा करना चाहिए कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, प्रकृति कैसे कार्य करती है, सूर्य कैसे अपने नियत समय पर प्रकट हो जाते हैं, चंद्रमा है वो भी प्रतिदिन प्रकट होता है। ये सब अपने आप प्रकृति के द्वारा तो होता है, लेकिन प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक है, मया तच्छेद प्रकृति सुवते सचराचर हेतु नानिन पौंती जगत भी परिवर्तन। भगवान कहते हैं प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, अपने आप कुछ भी नहीं। लोगों का मानना है ना कि ये सब प्रकृति की वजह से हो रहा है, ये बारिश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान के संरक्षण में ही प्रकृति कार्य करती है। जिस तरह माया भगवान के संरक्षण में रहती है, उसी प्रकार प्रकृति भी माया भगवान के अंतर्गत कार्य करती है। इसका अलग से कोई अपना अस्तित्व नहीं है। एक श्लोक बताते हैं आगे, भगवद गीता का 13.3, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग्यानं यज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी अर्जुन, सब देहो यानी क्षेत्रों को जानने वाला क्षेत्र भी मैं ही हूँ, और इस शरीर को एवं इनके स्वामी को जानना ज्ञान कहलाता है, ऐसा भगवान ये चीज बता रहे हैं। जैसे हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि क्षेत्र और क्षेत्र के क्या हो, जो हमारा शरीर है क्षेत्र कहलाता है और क्षेत्र आत्मा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि सभी देहो सभी क्षेत्रों को जानने वाले क्षेत्र, तो सभी को जानने वाले जो क्षेत्र है वो भगवान। हम अपने शरीर को केवल जानते तो हम क्षेत्र के, लेकिन सभी जमीन को जानने वाले सभी क्षेत्र को जानने वाले वो परम। जैसे हमें केवल अपने शरीर के बारे में, हमें किसी दूसरे के शरीर के बारे में नहीं पता, लेकिन भगवान को सबके बारे में पता। उन 84 लाख योनियों और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, भगवान सबके क्षेत्रज्ञ हैं, सबको जानने वाले। तो आगे जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि हम ये विचार करें कि हम वास्तव में हम शरीर नहीं है, तो हम इस निष्कर्ष पर निकलेंगे, पहुंचेंगे कि हम क्षेत्र के शरीर को जानने वाले आत्मा है शरीर में। हम बेसिकली हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष है कौन बताएगा? हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठीक है, इल्यूजन, चीटिंग प्रोपेंसिटी इल्यूजन और लिमिटेड सेंसेस और हम झूठ बोलते हैं। हाँ, ऐसा है ना माता जी, 4 चीजें। तो उसमें ये बताते हैं जो हम माया में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, और सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा। बट हम मानते हैं कि हम शरीर हैं, बट एक्चुअल में वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। लेकिन हम इस भ्रम में रहते हैं कि हम शरीर है, देहात्म बुद्धि में, और शुरू से अंत तक हम इसी भ्रम में रहते हैं कि हम शरीर है। ऐसा कई लोगों का मानना है कि जब तक ये जीवन है शरीर है तब तक है, और शरीर की मृत्यु के पश्चात सब कुछ समाप्त हो गया। पुनर्जन्म में वो विश्वास नहीं है, कर्म फल में वो विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भ्रम है, ये माया है, ये इल्यूजन है कि वी आर नॉट सोल वी आर बॉडी, एक्चुअल में वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, यदि हम अपनी उंगली पर ध्यान दें तो हम इस निष्कर्ष से पूछेंगे कि हम उंगली या शरीर का कोई और अंग नहीं है। उंगली, भुजाएं, पैर, हाथ, मुंह, नाक, कान, ये सब हमारे हैं। हम उंगली नहीं, ये सब हमारे हैं। अर्थात हम इस निष्कर्ष से पूछ सकते हैं ये शरीर नहीं है वरन ये हमारा शरीर है। इसका मतलब आत्मा का शरीर है, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं यह मेरा शरीर है। हाँ, इस आधुनिक सभ्यता में दुर्भाग्य से लोग कभी यह प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं निकालते कि वे क्या हैं और कौन है। एक बात याद आती है, जब हम किसी को रेलवे स्टेशन में छोड़ने जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, खास करके अगर वो छोटे हैं और कोई बड़ा उन्हें छोड़ने गया है, तो हम क्या कहते हैं? अपना ख्याल रखिए। कभी किसी ने नोटिस किया है? अपना ख्याल रखिए। क्यों कहते हैं?
वो तो बॉडी है, वो शरीर है, हम उसको बोलते हैं कि रमेश तुम ठीक से रहना, लेकिन हम कहते हैं कि अपना ख्याल रखिए। इसका मतलब हम आत्मा की ओर इंगित करते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, तभी हम कहते हैं अपना ख्याल रखिए। ये थोड़ा हमने देखा है कई बार कि लोग बोलते हैं कि अपना ख्याल रखिए, यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूं, मेरा शरीर मतलब आत्मा का शरीर। आगे बताते हैं कि किसी कार्यालय या फैक्ट्री में कोई कार्य करता है तो दिन भर कठिन परिश्रम करता है कि मैं यह शरीर हूँ, यही मानकर वो दिन भर कार्य करता ही रहता है। अगर आप उससे पूछेंगे कि आप कौन है, तो बोलेगा अपना नाम बता देगा, या अपना धर्म बता देगा, या किसी स्टेट का है वो बताएगा, किसी देश का है वो बता देगा, लेकिन उसका तात्पर्य बॉडी से ही रहेगा, बॉडली कॉन्सेप्ट, अर्थात देहात्म बुद्धि में वो कॉन्सेप्ट है कि मेरा नाम रमेश है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी इंडिया में है, या मैं अंग्रेज हूँ, स्वीडिश हूँ, अमेरिकन हूँ, जो भी है वो इस तरह से बोलेगा। हालांकि ये सब जो पहचान है ये शरीर के स्तर की है, वास्तविक बात क्या है कि हम शरीर नहीं है। यह शरीर के लिए हमारा कर्म क्षेत्र, जिस प्रकार एक किसान खेत नहीं है उसी प्रकार ये शरीर है। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। लक्ष्मी माता जी आप इसके आगे पढ़िएगा। प्रभु जी इंग्लिश बुक है मेरे पास। अच्छा आप इंग्लिश है, ठीक है। प्रिया माता जी आपके पास हिंदी है? प्रभु जी पढ़ रहे, पढ़िए। तो माता जी आप इस पे देख के भी पढ़ सकती है ना, मीनाक्षी माता जी? प्रभु जी मोबाइल से ले रही हूँ क्लास, तो बहुत ही अच्छा। अच्छा कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है प्रिया माता जी आप पढ़िए। शरीर अनेक प्रकार के हैं और इन शरीरों के अनुसार उनके क्रियाकलाप भी अनेक प्रकार के हैं। एक कुत्ता किसी विशेष प्रकार के कार्य से, एक बिल्ली किसी दूसरे प्रकार के कार्य से, और एक मानव किसी और ही प्रकार के कार्य से आनंदित होता है। शरीर के अंतर के कारण कार्यों में भी अंतर होता है। जब हम सत्य का धरातल पर आते हैं और समझते हैं कि हम ये शरीर ही नहीं, तो तब हमारे कार्यकलाप भौतिक कार्यों से आध्यात्मिक कार्यों से परिणत हो जाता है। जब तक हम देहात्मा बुद्धि से कार्य करते हैं तब तक हमारे कार्य भौतिक होते हैं, किंतु जो जो ही हम समझने लगते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तब हमारे कार्यकलाप उसी अनुभूति से प्रेरित होंगे, अर्थात वे वैदिक या भौतिक स्तर से प्रेरित नहीं होंगे। शरीर से अलग अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, किंतु जब तक हम शरीर की पहचान से ही चिपके रहते हैं तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हम जीवन के देहात्मा बुद्धि के को अपनाए हुए हैं तब तक हमारे सारे कर्म निष्फल रहेंगे। एक बालक का जन्म अज्ञान अवस्था में होता है और यदि बड़ा होने पर भी वह देहात्मा बुद्धि में ही रहता है तो वह अंधकार में रहता है, उसकी स्थिति एक शूद्र जैसी है। वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि इस युग में जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम अपने माता पिता से प्राप्त हुए जन्म से ही संतुष्ट रह गए तो हम अपनी शूद्र की दशा में ही रहेंगे। हमें शुद्धिकरण का प्रक्रिया का पालन करके ब्रह्मन तत्व के स्तर तक ऊपर उठना पड़ता है। जैसे पहला कहा जा चुका है, अपवित्र जीवन के चार मूल लक्षण है, अवैध कामों, भोग, नशीले पदार्थों का सेवन, मांस भक्षण और जुआ खेलना। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह की सीमा के बाहर काम भोग नहीं करना चाहिए, अतः मानव समाज में विवाह की प्रथा है जो हमें कुत्ते बिल्लियों से पृथक करती है। हम चाहे हिंदू, मुसलमान या ईसाई, कोई भी हो, हम विवाह प्रथा के को स्वीकार करते हैं। इस प्रथा के उद्देश्य है अवैध काम संबंध का निषेध। वैदिक पद्धति में नशीले पदार्थों के सेवन को भी हतोत्साहित किया गया है, ना ही मांस भक्षण का भी समर्थन किया गया है, क्योंकि मानव प्राणियों को अहिंसक होना चाहिए। हमें प्रकृति ने पर्याप्त अन्न, फल, दूध और शाक सब्जी दिए हैं। अत्य बेचारे पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो हम अल्प पोषित रह जाएंगे, किंतु
हम देख सकते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शिष्यों ने मांस भक्षण छोड़ दिया है तो भी वे बड़े स्वस्थ रहते हैं, जबकि जो लोग मांस खाते हैं खा रहे हैं वे मांस खाने के बावजूद भी अनेक व्याधियों और अस्वस्थताओं से पीड़ित है। जुए का भी निषेध किया गया है क्योंकि ये मन को केवल उद्विग्न ही करता है। इस प्रकार ये एक शुद्धिकरण का प्रक्रिया है जिससे मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है। ये मार्ग प्रत्येक के लिए खुला है। ब्राह्मण ये वो है जो सत्यवादी, शुद्ध, सहनशील, सरल, ज्ञानवान है और वे भगवान में श्रद्धा रखता है। वे अपने मन और इंद्रिय पर भी स्वयं रख सकता है। आज की परिस्थिति में ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है क्योंकि आजकल प्राय हर कोई व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, निद्रा, स्वरक्षण और मैथुन में पूर्णतया संलग्न है, जो पशुओं और शूद्रों के लक्षण है। ठीक है, आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि शरीर अनेक प्रकार के हैं और शरीर के अनुसार उनके क्रियाकलाप भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे कोई मनुष्य है वो अलग प्रकार के कर्म करता है, कुत्ता है, एक बिल्ली है या चूहा है, वो अलग अलग प्रकार के कार्य करता है और उसी में वो अपना आनंद प्राप्त करता है। जो कि जैसे शेर है वो जंगल में रहता है, शिकार करता है और उसको अच्छा लगता है, उसको आनंद मिलता है। मनुष्य अपनी इंद्र तृप्ति करता है, खाना खाता है, मूवी देखता है, इधर जाता है उधर जाता है, या कोई भक्ति करके उसमें आनंद प्राप्त करता है। तो सबके अलग अलग कार्य हैं, मनुष्य के अलग कार्य हैं, पशु के अलग कार्य हैं और वो अपने हिसाब से उसमें आनंद लेता है। लेकिन हमको इसमें समझना पड़ेगा कि हम इसमें शरीर के अंतर के कारणों में भी अंतर होता है। जैसे कार्यों में अंतर, जैसे मैंने बताया कि पशु के कार्य अलग हैं, मनुष्य के कार्य अलग हैं, और लेकिन जब तक हम सत्य के धरातल पर नहीं आते कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे हमारे कार्यकलाप भी उसी भौतिक की तरह होंगे और वो कभी भी आध्यात्मिक के धरातल पर नहीं आएंगे। जब तक हम समझते हैं कि हम ये शरीर है ही नहीं, तब हमारे कार्यकलाप भौतिक कार्यों से आध्यात्मिक कार्यों में पड़ जाते। जब हम ये समझने लगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमारे कार्यकलाप भी आत्मा के स्तर के होने लगेंगे। हालांकि इस चीज की अनुभूति करना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा, हम कहते तो हैं लेकिन क्या हम इसकी अनुभूति करते हैं, बहुत मुख्य बात है। हम दिन भर में कितनी बार बोलते हैं we are not body, we are soul, हम शरीर नहीं हम आत्मा, लेकिन आत्मा के स्तर का कार्य भी हम तो उस हिसाब से उतना नहीं करते ना, क्योंकि हम क्या आत्मा के स्तर का क्या कार्य कौन बताएगा, कोई आत्मा के लिए हम क्या कार्य करते हैं। शरीर के लिए तो सब कार्य हम दिन भर बता देंगे, हम दुनिया भर का काम करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या कार्य है या आत्मा का क्या कार्य है, कोई बताएगा? भगवान का सेवा करना, भगवान का सेवा करना, जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, ये सब आत्मा के स्तर पर ना। जब हम जप करते हैं तो जैसे कि हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं भगवान से, हाँ, तो ये जो चीज है आत्मा के लिए होती है। जब कोई नृत्य करता है भगवान का, कीर्तन करता है, आप देखो गुरु महाराज को देखो कितनी बार जब वो कीर्तन करते हैं, तीन तीन चार चार पांच पांच घंटा कीर्तन करते रहते हैं। कोई व्यक्ति केवल चार चार घंटा गाना गा करके खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। आप तीन चार घंटा कोई गा ही नहीं सकता अनटिलस कि वो बहुत उसको प्रैक्टिस हो, वो सिंगर हो। सामान्यतः लोग की बात करें तो कोई तीन चार घंटा नहीं गा सकता। हम तो मंदिर में कीर्तन करने जाते हैं, आधा घंटा 20 मिनट के बाद मेरी हालत खराब हो जाती है। और उसमें भी जो कीर्तन करते हैं तब उन आत्मा के स्तर का होता है वो, आप देखिए एकदम वो उसमें खो जाते हैं। गुरु महाराज जब कीर्तन करते हैं ना तो एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, फिर वो कीर्तन ही करते, कभी कभी आंख भी नहीं खोलते। तो ये आत्मा के स्तर, तो जब हम इस चीज को समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो हमारे कार्य भी भौतिक नहीं रहेंगे, फिर आध्यात्मिक हो जाएंगे। ये चीज बताने का प्रयास करें तो हम ये समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब ब्रह्म के स्तर पर आ जाएंगे, तब हमारे कार्यकलाप उसी अनुभूति से प्रेरित होंगे। आगे बताते हैं कि शरीर से अलग अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान, किंतु जब तक हम शरीर की पहचान से चिपके हैं तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। मतलब शरीर के स्तर का ज्ञान वो, जैसे हम बोलते हैं ना कि देहात्मबुद्धि, कि हम शरीर है, हम आत्मा नहीं,
देह को, मतलब देह को ही सब कुछ माना, देहात्म बुद्धि से करते हैं। और जब हम ये समझने लगेंगे कि वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, हम आत्मा हैं, तब हमारे कार्य भी उस स्तर के होंगे और हम अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हो जाएंगे, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, फिर हमारे कार्यकलाप भी उसी हिसाब से प्रेरित होंगे। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि इस युग में जन्म से सब लोग शूद्र हैं। ऐसा क्यों कहा प्रभुपाद ने? शूद्र गायन है, हाँ, सबसे नीचे ही होने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन इसमें कहा कि जन्म से हम सब शूद्र हैं। क्यों शूद्र हैं? क्योंकि हम देहात बुद्धि में रहते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता, हम ब्रह्मास्मि, हम जिज्ञासा नहीं करते, हाँ, कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है, और ये सब जानने के बाद भगवान की सेवा करें। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसमें आगे कहा कि अगर हम केवल माता पिता के द्वारा प्राप्त हुए जन्म से ही संतुष्ट हो जाए तो हम अपनी शूद्र की दशा में ही रहेंगे। मैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करके ब्राह्मणत्व के स्तर पर ऊपर उठना पड़ेगा। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है वो आगे बताएंगे। उसमें उन्होंने कहा है जो हम फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो हम नो मेडिटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसेक्स एंड नो गैम्बलिंग, ये चार चीज है अपवित्र जीवन के चार मूल लक्षण है। शुद्धिकरण में अगर हम चार चीज करते हैं तो हम अपवित्र ही रहेंगे, अगर हमें नहीं करते हैं तब हमारे शुद्धिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो वैदिक सिद्धांत में से बताया गया कि विवाह विवाह क्यों किया गया? विवाह इसलिए करते हैं ताकि बाहर लोग वो चीज ना करें, हाँ, अवैध काम को भोग ना करें, स्त्री पुरुष के संपर्क में जो जिनकी शादी हो चुकी है केवल उसी गृहस्थ जीवन में ही ये करें और बाहर ये ना करें, इसके लिए विवाह की संतुष्टि की गई है। और हम देखते हैं कि अगर हम ये करते हैं तभी हम कुत्ते बिल्लियों से पृथक होते हैं, क्योंकि जो पशु होते हैं ना उनका कोई ऐसा सामाजिक विवाह नहीं होता, वो कोई कुत्ता किसी कुत्तिया के साथ भी संबंध बनाता है और बिल्ली भी ऐसा ही करती है, लेकिन एक मनुष्य है जो अपने जीवन में उनकी विवाह होती है उसी गृहस्थ जीवन में रहता है और बाहर की चीजों को ना करे, इसके लिए इसकी संतुष्टि की गई है। तो ये बताते हैं कि मानव समाज में विवाह की प्रथा है जो हमें कुत्ते बिल्लियों से पृथक करती है। अब वो चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सब धर्म में शादी होती है। अब देख लीजिए कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जिसमें शादी नहीं हो, चाहे हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब में हम शादी को स्वीकार करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि अवैध काम संबंधों का निषेध। हमें एक चीज बहुत अच्छी लगी, हम पीछे पढ़ रहे थे, चाहे हम ब्रह्मचारी हो, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम ब्रह्मचारी गृहस्थ, उसके बाद जो संन्यास के पहले एक और तीसरा वर्णाश्रम, नहीं वर्णाश्रम नहीं, वानप्रस्थ, सबका उद्देश्य ये है कि भगवत प्राप्ति। तो जो जो समाज में हमारी शादी की व्यवस्था की गई, जो गृहस्थ है, हमें पति पत्नी से संबंध का छूट है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है कि जीवन भर पति पत्नी संग करें, इसका उद्देश्य ये है कि इनसे वो निकले, क्योंकि जिनकी शादी हो रही है, जो शादी कर रहा है, वो उस स्तर पर नहीं है कि सन्यासी बन जाए, या दूसरा क्या बताया आपने, मतलब मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थी, तो कम से कम ब्रह्मचर्य भी नहीं बन पाए, वानप्रस्थ बन पाए, सन्यास बन, ठीक है आपकी विवाह की संतुष्टि की जाती है आप, लेकिन इसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप पति पत्नी हमेशा साथ रहें, तभी वो उसकी ये संतुष्टि की गई है कि उसके 50 साल के बाद वानप्रस्थ, अब पति पत्नी भी चाहे तो साथ जा सकते हैं, लेकिन वैसे तो शास्त्रों में पति के लिए बनाया गया, अब तो कोई ऐसा जंगल नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत सी साधन है जो अभी भी इस तरह की चीजें हम अपना सकते हैं। ठीक है, उनके कहने का तात्पर्य है कि विवाह प्रथा को इसलिए स्वीकार करते हैं ताकि अवैध संबंधों पर रोक, इसके लिए किया गया है। आगे बताते हैं कि नशीली पदार्थों का सेवन को भी हतोत्साहित किया गया है, हाँ, न ही मांस भक्षण का समर्थन किया गया है, क्योंकि मानव प्राणियों का अहिंसक ही होना चाहिए, हमें प्रकृति ने पर्याप्त अन्न, फल, दूध और साग सब्जी दी है,
बेचारे पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हम अगर मांस नहीं खाएंगे तो हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, अल्प पोषित रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, इस्कॉन में आप देख लीजिए और बहुत से अनेक संप्रदाय में जहाँ मांस भक्षण, जैन लोग भी नहीं खाते और बहुत से संप्रदाय लोग मांस भक्षण नहीं करते, क्या वो जी नहीं रहे, क्या वो स्वस्थ नहीं है? आपने देखा होगा इस्कॉन में कितने हट्टे कट्टे प्रभु जी लोग भी रहते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो मांस खाएंगे तभी वो जीवित रहेंगे, या उनका अल्प पोषण, अगर मांस नहीं खाने से अल्प पोषण होगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये केवल जो मीट ईटिंग करते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। और आगे बताते हैं, हाँ इसमें एक चीज ये भी है कि जो लोग मांस भक्षण को जस्टिफाई करते हैं उनको हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे शरीर की बनावट, हमारे दांतों की बनावट इस तरह हुई है कि हम शाकाहारी भोजन एक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे आंत जो है बहुत लंबी होती है, अगर कोई मांसाहार करेगा तो अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जो शेर है या जो मांसभक्षी पशु हैं उनके आंत बहुत छोटी होती है, तब लंबी नहीं होती है उनकी, हाँ तो वो लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो हमारे शरीर की बनावट हमें मांस खाने की अनुमति नहीं देती, और दुनिया भर की फल साग सब्जी दूध है हम उसको एक से एक व्यंजन बना करके प्राप्त कर सकते हैं, और मांसाहार तो किसी अवस्था में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम जीव हैं और वो भी जीव हैं, वो भी भगवान के अंश है और हम ही भगवान के अंश हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक में दिया था, उसमें बताया था कि पुत्र के चार बच्चे हैं, मतलब एक पिता के चार बच्चे हैं, और एक बच्चा बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का है, फिर उससे कम का है, एक बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि का है। तो उसका बड़ा भाई उसको बोले, जो तीक्ष्ण बुद्धि का है, कि अपने पिता से छोटे भाई को कि क्या मैं इसको मार डालूं, ये बेकार है, ये मंद बुद्धि का है, ये फालतू का काम करता है, कभी पिता इसकी अनुमति देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो भी उसका पुत्र है और चाहे वो मंद बुद्धि है वो भी उसका पुत्र है, इसकी अनुमति वो कभी नहीं देगा। तो एक जीव को दूसरे जीव के मारने का अधिकार कभी नहीं है, क्योंकि हम किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकते। प्रकृति हमें शरीर निर्माण करने में सहायता देगी, लेकिन अभी हमने पीछे पड़ा जो बीज भगवान जो अहम बीज प्रदा पिता, जो भगवान आत्मा का प्रवेश करा, केवल पति पत्नी मिल करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है किसी जीव को मारने, और शास्त्र में यही सत्युति की गई है कि हमें शाकाहारी रहना है, मांसाहार रहने की आवश्यकता नहीं है। आगे इन्होंने ब्राह्मण के लक्षण बताए, तो जो ब्राह्मण होते हैं उसके सात लक्षण होते हैं, सातों लक्षण इसमें लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो बहुत सरल होता है, सत्यवादी, वो झूठ नहीं बोलता, शुद्ध होता है, सरल, ज्ञानवान, सहनशील, और भगवान में उसकी श्रद्धा होती है। और एक चीज और बताया कि उसके में इंद्रियों को संयम रखता है, वो सेंसेस को कंट्रोल रखता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ब्राह्मण। तो सात क्वालिटी है, सत्यवादी, शुद्ध, सहनशील, सरल, ज्ञानवान और अपने इंद्रियों पर संयम। तो जो कोई ब्राह्मण होता है ना उसके में सात क्वालिटी होनी चाहिए। द्रौपदी जी कहते हैं कि आज की परिस्थिति में ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल प्रायः हर कोई शूद्र है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को बनाने के लिए, रखने के लिए आहार, निद्रा, भय और मैथुन में पूरी तरह संलग्न है, जो पशुओं और शूद्रों के लक्षण, मतलब शूद्रों की तुलना पशुओं से कर दी, क्योंकि जो शूद्र होता है ना उसको इसका कुछ ज्ञान नहीं होता, वो केवल खाना पीना सोना और मैथुन करता है, और ये चार चीज अगर पशु भी यही करता है तो जो शूद्र है और पशु में प्रभुपाद कहते हैं कोई अंतर नहीं है। पशु या शूद्र है, जो ये केवल चार चीज करता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो पशु है और शूद्र है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, एक एक दो पेज और पढ़ेंगे। आगे कौन पढ़ेगा? पद्मा माता जी, आपके पास पुस्तक है? यस प्रभु जी, है हरे कृष्ण। मानव समाज में जब तक चार विभाग न हो और जब तक वे एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ काम न करे, समाज में तब तक शांति नहीं हो सकती। ये चार विभाग है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन विभागों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार की है। चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्ता अपि मा विध्य कर्ता मा अव्ययम् भ
भौतिक प्रकृति में तीन गुणों और कर्म के अनुसार मानव समाज के चार वर्णों मेरे द्वारा रचे गए थे। इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी को तुम अकर्ता ही जानो, श्रीमद् भागवत गीता 4.13। मानव समाज में मनुष्य के ये चार वर्ण स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं, क्योंकि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण रजोगुण और तथा तमोगुण के अधीन कार्य कर रही है। जब तक हम इस भौतिक जगत में है तब तक यह प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के तीन गुणों के अधीन कार्य करता कर रहा है। किंतु जब हम इस त्रिगुणात्मक का भौतिक प्रकृति के परे हो जाते हैं तब वहां समता हो जाती है। उस समय ये सारे वर्ग और भेद नष्ट हो जाते हैं। अतः अब प्रश्न ये उठता है कि इस त्रिगुणमयी प्रकृति के पार कैसे पहुंचा जाए। इसका उत्तर है कृष्ण भावना भावित बनना ही भौतिक प्रकृति से परे जाना है। जैसे ही हम कृष्ण भावना वृत्त में स्थित होते हैं, हम भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाते हैं। मां च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा सम्मिता येता ब्रह्म भूया कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी भी स्थिति में उससे पतित नहीं होता है, वह तत्काल प्रकृति के गुणों को लांघकर ब्रह्म भूत स्तर पर पहुंच जाता है, श्रीमद् भगवद गीता 14.26। इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त होता है वह तत्काल ही दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है। मूल रूप से हम प्रकृति पदार्थ नहीं अपितु ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य का दर्शन मुख्यतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि हम यह नहीं सोचना चाहते कि हम इस भौतिक प्रकृति से निर्मित पदार्थ है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है कि हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं। वास्तव में हमारा स्वरूप यह है कि हम आत्मा है, ब्रह्म है और उसी मूल स्वरूप को जागृत करना है। यह भौतिक जीवन एक व्याधिग्रस्त स्थिति है। जब हम ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं तब हम फिर से हमारी स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं। जब हम 100% कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तब वह स्वस्थ ब्राह्मी स्थिति हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है। जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हुए भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाते हैं तब हमारी स्थिति क्या होती है? क्या हम शून्य बन जाते हैं? कुछ दार्शनिक का मत है कि इस भौतिक जीवन में मुक्ति पाने के बाद, इस भौतिक शरीर के निवारण के बाद हम शून्य हो जाते हैं। यह एक भय वह सिद्धांत है। स्वभाव से एक जीव शून्य की ओर आकर्षित नहीं होता। हम कितने भी ऋण हो और कितने ही भी कारणों से कष्ट पा रहे हो, किंतु यदि हमारा डॉक्टर आकर हमसे कहे, लाइए मैं आपके प्राण लेकर आपकी सारी व्याधि को समाप्त कर देता हूँ, तो हम तुरंत कहेंगे, नहीं नहीं, मुझे मारने के बजाय मुझे रोग से कष्ट पाने दीजिए। हम मात्र अपने दुखों का अंत करने के लिए भी मरा जाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार यह सिद्धांत कि भौतिक जीवन के पश्चात शून्य ही रह जाता है, तनिक भी आकर्षक नहीं है। और नहीं यह तथ्य है, हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन आनंदमय और ज्ञानमय है। हम उन परम भगवान के अंश है। श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और हम लोग गुण की दृष्टि से उनसे भिन्न है। समुद्र के जल की एक बूंद चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, उतनी ही खारी होती है जितना कि पूरा समुद्र। इसी प्रकार भले ही हम केवल सूक्ष्म अणु आत्मा क्यों न हो, हमें भी वे सभी गुण विद्यमान है जो परा आत्मा में है। हमारे शून्य होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि एक जीव आत्मा के रूप में हमारा
हमारे आध्यात्मिक गुण धर्म अपनी अनंत विविधता में वही है जो भगवान के है, किंतु यदि इस भौतिक जीवन में निराशा के कारण हम आत्महत्या कर ले तो उससे हमारा दुख का अंत नहीं होता, अपितु हमें और दूसरे दुख को उत्पन्न कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयत्न करता है किंतु उसमें सफल नहीं होता तो किसी प्रकार बच जाता है तो वह राज्य के विधान के अनुसार दंड का भी भागी होता है। उसी प्रकार प्रकृति के नियम आत्महत्या को एक आपराधिक कृत्य मानते हैं। हमारे इस भौतिक जीवन का अंत केवल इस अनंत सच्चे आनंदमय जीवन को प्राप्त करने के उपरांत ही हो सकता है। हम केवल हताशा के कारण इस जीवन के दुखों का अंत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु हमें ऐसे कार्यों में संलग्न होना चाहिए जो हमें आध्यात्मिक जीवन की उच्चता प्रदान करे। ठीक है माता जी, माता जी रुकिएगा, तो इसमें आगे बताते हैं कि जब से लास्ट में उन्होंने बताया कि ना जो केवल चार प्रकार की चीजें करते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, तो वो पशु और शूद्र के समान है, शूद्र के लक्षण। पशु जो करता है वही शूद्र के भी, उसके उन्होंने उससे तुलना की। आगे बताते हैं कि मानव समाज में जो चार विभाग है, भगवत गीता 4.13 चातुर्वर्ण में आशिष्टम गुण कर विभाग तस्य कर्तार अपि मम विद्य कर्तार मम व्ययम्। भौतिक प्रकृति के तीन गुण और कर्म के अनुसार मानव समाज के चारों वर्ण, जो चार वर्ण में है ना ब्राह्मण क्षत्रिय, चार गुण और गुण कर्म विभाग, तो उसमें क्या है जैसे कि चार आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और चार वर्ण क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। तो ये बता रहे हैं कि ये जो भगवान ने इनकी रचना की है चातुर्वर्ण मया सिस्टम, तो ये समाज में इन सब की आवश्यकता है। अगर हम भौतिक जीवन में रह रहे हैं तो यहाँ पर इनकी आवश्यकता है, क्योंकि हमें ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की, इन सभी की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि समाज में अगर ये नहीं रहे तो आप सोचिए कि समाज ठीक से नहीं चलेगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कि अगर मान लीजिए इस समाज में आप लोग रहते हैं और उसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, अर्थात कोई ऐसा नहीं है जिसको ब्रह्म के बारे में पता हो, जो हमें ज्ञान दे सके, हाँ, तो हमारा कैसे कल्याण होगा। और सपोज करें कोई शूद्र ना हो, कोई कार्य करने वाला ना हो, हाँ, आजकल हम घरों में एक दो दिन मेड नहीं आती तो हम सबकी हालत खराब हो जाती है। तो सोचिए कि अगर वो मेड नहीं आए फिर कैसे हमारा जीवन। तो इन सब चीजों की आवश्यकता है, या कोई छत्री नहीं हो तो हमारे देश की रक्षा कैसी होगी। ये गुणों के आधार पर है, छत्री मतलब कोई सिंह है और कोई मिश्रा जी की बात नहीं हो रही है, ये गुणों के आधार पर। तो आगे बताते हैं कि ये मानव समाज में ये चारों वर्ग स्वाभाविक है, ये कृत्रिम नहीं है, जैसे कि मैंने भी एग्जांपल दिया। तो ये जो चारों वर्ण है अपने गुणों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अधीन कार्य करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को एक ही श्रेणी में नहीं रखा जाता। कभी कभी हम क्या होते हैं कि हम कभी रजोगुण में रहते हैं, सत्वगुण में आते हैं, फिर तमोगुण में भी चले जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए बताया गया ना, सब लोग जनरली सत्वगुण में रहते हैं। और आज गुरु महाराज बता रहे थे कक्षा में कि सूर्योदय से करीब करीब 1.5 घंटा पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम यू कैन डू योर जप, क्योंकि हमें भगवान को सबसे बेस्ट चीज ऑफर करना चाहिए। अगर हम मार्केट में जाते हैं और वहाँ फ्रूट्स मिलता है तो एक दुकानदार सस्ता फ्रूट दे रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं है, और दूसरा दुकानदार बहुत अच्छा फ्रूट्स दे रहा है लेकिन थोड़ा महंगा है। भले हम थोड़ा ही खरीदें लेकिन भगवान को हमें बेस्ट ऑफर करना चाहिए। उसी प्रकार अपने दिनचर्या में सबसे बेस्ट टाइम ब्रह्म मुहूर्त का होता है, तो हमें जब ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। कोई नहीं उठ सकता है तो धीरे धीरे प्रयास करें। मान लीजिए कोई 5 बजे उठता है अभी, अब ऑब्वियसली अगर कोई 5 बजे उठेगा तो 5:30 के पहले वो तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुरंत हाथ मुंह धो करके तो वो बैठ नहीं जाएगा, स्नान करेगा, दैनिक क्रियाकर्म करेगा, उसमें आधा घंटा लग ही जाता है। तो आप प्रयास करें कि अगर कोई 5 बजे उठता है तो कोशिश करिए पहले वो 4:45 बजे उठे, फिर कुछ दिन 4:45 की प्रैक्टिस हो जाएगी तो 4:30 बजे उठे, ऐसे करके अपना टाइम को सेट कर सकता है। और अगर हम जल्दी सोएंगे ना तो हम जल्दी उठ जाएंगे, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है।
बहुत दिन तक मैंने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर जो भी करेगा, अगर अपने अगली रात को अगर रेगुलेट कर लेता है तो उसको मॉर्निंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं कि आप प्रसाद बहुत लेट में ना लें, लाइट प्रसाद लें, हालांकि कभी कभी वो संभव नहीं हो पाता, लेकिन हाँ अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो उससे काफी आपको अच्छे परिणाम उसको मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जप करने का। और आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में कोई जप करेगा उसको कितना फ्रेशनेस होता है और कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है, वो भी गुरु महाराज के साथ जहाँ पर 1,500-2,000 लोग बैठ के एक साथ जप कर रहे हैं, और उनके साथ अगर हमने जप किया, हाँ उनके नाम को सुनते हुए जप किया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों की हमें आवश्यकता है। लेकिन कहते हैं जब हम त्रिगुणात्मक भौतिक प्रकृति से परे हो जाती है तो वहाँ समता जाती है, फिर वहां पर ये सारे वर्ग और भेद समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जब हम गुणातीत हो जाते हैं, अर्थात जब हम शुद्ध सत्व में चले जाते हैं, तब हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं रहती। तो कृष्ण भावना में बनना ही भौतिक प्रकृति से परे जाना। अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गए तो हम मटेरियल लाइफ से थोड़ा अलग हैं। जब हम कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तब हम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। और इस श्लोक में बताते हैं कैसे, मां च यो अभिचारेण भक्ति योगिन सेवत सगुणान संप्रीत्यै एतान् ब्रह्मुवाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है और किसी भी स्थिति में उससे पतित नहीं होता, वह तत्काल प्रकृति के गुणों को लांग कर ब्रह्मभूत स्तर तक पहुंच जाता है। भगवान ये बता रहे हैं कि प्रकृति के गुणों को कैसे पार कर सकते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी अनन्य भक्ति करता है और जो मेरी सेवा करता है और किसी भी स्थिति में वो पतित नहीं होता, वो तत्काल प्रकृति के गुणों को लांग कर भगवत ब्रह्मभूत के स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के कार्य में प्रवृत्त होता है वो तत्काल ही दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, मतलब हम ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्त्र। ठीक है, आगे बताते हैं कि वास्तव में जो हमारा स्वरूप है, हम आत्मा है, ब्रह्म है, हमें उसी मूल स्वरूप को जागृत करना जिसको हम भूल गए हैं। अभी हम नहीं समझ पाते कि हम कौन है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है जिसमें हम बताते ना कि हम भगवान का हैं, हम भगवान के अंश हैं, कौन बताएगा? वी आर पार्ट एंड पार्सल ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनसस्थानी इंद्रियानी प्रकृतस्थानी कर्षति। हम भगवान के अंश हैं, भगवान अंशी है, तो हमारा क्या है, हम भगवान के अंश हैं, मतलब हम आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, भगवान परम आत्मा है। लेकिन भगवान की जो क्वालिटी है वो हमारे में भी है, क्वांटिटी कम है, जैसे समुद्र और समुद्र का एक बूंद। कहते हैं कि भौतिक जीवन एक व्याधि ग्रस्त स्थिति है, भौतिक जीवन बहुत कठिन है। जब हम ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं हम फिर से हमारी स्वस्थ अवस्था में आ जाते हैं, मतलब बैक होम बैक टू गॉडहेड, भगवान के पास जम जाते हैं, या जब हमारा भगवान से संबंध हो जाता है, जब हम 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, तब हमारी ब्रह्मी स्थिति हो जाती, तुरंत हमें प्राप्त हो जाती है। आगे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति शून्य की ओर आकर्षित नहीं होता, हम कितने भी परेशान हो। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर बोले ठीक है लाइए मैं आपको मार देता हूँ, आपको खत्म कर देता हूँ, अभी इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, वो कभी भी नहीं मानेगा। घर में भी हम लोग देखे हैं, दादी वगैरह बहुत एजेड थी, कभी एक बात, एक दादी से भी बूढ़ी हमारे घर में रहती थी, 80 साल की, उनको कोई बोले कि लाओ दादी तुम मर जाओ, बोले हम क्यों मर जाए, तुम मर जाओ, ऐसे बोलती थी ना, मतलब आप देखिए 80 ईयर्स की है, लेकिन कोई उनको ऐसे कहेगा तो वो तुरंत रिएक्ट करते थे। मतलब कोई भी व्यक्ति शून्य में नहीं जाना चाहता, कहने का मतलब है कि वो कहते हैं हमें कष्ट भोगने दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन हमको मारिए मत। कहते हैं कि हम अपने दुखों को अंत करने के लिए भी कभी भी मारा जाना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए ये बताते हैं कि इस प्रकार यह सिद्धांत कि भौतिक जीवन के पश्चात शून्य ही रह जाता है तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तो सच्चिदानंद विग्रह अर्थात सनातन आनंदमय और ज्ञान में। सच्चिदानंद का क्या अर्थ है? सत चित और आनंद। सत मतलब सनातन हमेशा से, चित मतलब ज्ञान में, और आनंद मतलब आनंद, सत चित आनंद। भगवान सच्चिदानंद है और हम वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भी सच्चिदानंद है क्योंकि हम उन भगवान के अंश हैं। ठीक है, तो
यदि बताते हैं कि इस भौतिक जीवन में अगर निराशा के कण अगर हम आत्महत्या कर ले तो उससे हमारे दुखों का अंत नहीं होगा, हम और परेशानी में पड़ जाएंगे, हम भूत प्रेत फिर बन जाएंगे, और कितनी परेशानी आ जाएगी सोचिए। हम अपने एक दुखों को अंत करने के लिए दूसरे उससे कई गुना दुखों को आमंत्रित करेंगे। इसलिए हमें कभी भी जो है सुसाइड नहीं करना चाहिए, इवन गवर्नमेंट भी इसका परमिशन नहीं देता है। हमारे जीवन का अंत केवल एक अनंत सच्चे आनंद में जीवन को प्राप्त करने के उपरांत ही हो सकता है। केवल हताशा के कारण इस जीवन के दुखों को अंत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कोई परेशान है, हताश है, तो उसको अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए, तो ऐसे कार्यों में संलग्न हो चाहिए जिससे हमें आध्यात्मिक जीवन की उच्चता प्राप्त हो, अर्थात हम कृष्ण कॉन्शियसनेस बने, भगवान से अपना बिखरे हुए संबंध को जोड़े, बैक होम बैक टू गॉडहेड जाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।